आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और आंतरिक मुद्दों पर कांग्रेस को जमकर घेरा। जांजगीर में ली चुनावी सभा, भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील। जांजगीर चांपा जिले में आज भाजपा के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा के चुनाव में भाजपा के प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मंच से अपने संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व पटल में अगर देश का नाम आज़ादी के बाद आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। दरअसल योगी ने नरेंद्र मोदी का गुणगान करते कहा कि जिन्हें पता नहीं उन्हें यह बताने की ज़रूरत है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए पहली पसंद क्यों हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब राम और कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाती है तो राहुल गांधी को मंदिर मंदिर घूमने से क्या फायदा। मोदी जी ने 5 वर्ष में 1.5 करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध कराया। मोदी जी ने देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को सौभाग्य योजना में विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए। मोदी जी ने इस देश के अंदर 7 करोड़ गरीब महिलाओं को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए। मोदी जी ने 9.5 करोड़ गरीब परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य कराया। मोदी जी ने इस देश के अंदर 12.5 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए की गारंटी उपलब्ध कराई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन उपलब्ध करा करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 37 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट खोल करके उन्हें कांग्रेस जैसे दलालों से मुक्ति दिलाने के लिए आर्थिक स्वावलंबन की ओर उन्हें अग्रसर किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आयुष्मान भारत में देश के 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, निशुल्क सहायता प्राप्त करने का हकदार बना। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि मनमोहन सिंह कहते हैं कि इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है तो इस देश गरीब आदिवासी दलित कहां जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है प्रदेश में नक्सलवाद, भूमाफिया, खनन माफिया और अराजकता हावी हो गई है। यहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और आंतरिक मुद्दों पर जमकर घेरा। मित्रों, मैं पिछले 3-4 महीनों के अंदर आपके छत्तीसगढ़ के अंदर की सरकार की कार्यपद्धति को बहुत नजदीक से देख रहा हूं। मुझे लगता है यहां के किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ होगा, कर भी नहीं पाएगी सरकार। यहां की सरकार ने जो चावल बाबा ने आपको चावल उपलब्ध कराने का कार्य किया था, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने, यहां की सरकार उसको बंद करने जा रही है। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर चल रही योजनाओं को बंद करने का कार्य आज कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर कर रही है। उन्होंने कहा कि आज हालात हैं ऐसे बन गए हैं कि यहाँ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोही के साथ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी सरकार ने 5 वर्ष के कार्यकाल में की गई उपलब्धियों को गिनते हुए कहा कि पहले जो नामुमकिन था वो आज मोदी की वजह से मुमकिन हुआ। RNN News के लिए जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण से सरोज सारथी की रिपोर्ट।